नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने टॉर्ट्स को समझा, यानी अपकृत्य क्या होता है, अपकृत्य को हम लोगों ने समझा। उसके बाद मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने टॉर्ट के एक्सेप्शंस को समझा, एक्सेप्शंस यानी अपकृत्य के अपवादों को हम लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें अपकृत्य और अपराध के अंतर को हम लोगों ने समझा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, क्राइम और टॉर्ट में क्या अंतर होता है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने टॉर्ट्स के बारे में समझा कि लीगल डैमेज क्या होता है, मतलब डैमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डैमनम को हम लोगों ने समझा। उसी कड़ी में आज हम लोग टॉर्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनेक ऑथर्स की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी अपकृत्य की जब परिभाषा देखते हैं, तो अपकृत्य की परिभाषाओं में अनेक ऑथर्स, सामन, विनफील्ड, इन लोगों ने बार बार ये कहा है कि टॉर्ट जो होता है इट्स अ सिविल रॉन्ग बट इट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी उनकी डेफिनेशंस में बार बार आया है कि अपकृत्य जो होता है एक सिविल दोष तो होता है लेकिन यह संविदा भंग से अलग होता है। तो आइए आज हम लोग कवर करते हैं कि संविदा भंग और अपकृत्य में बेसिक अंतर क्या होता है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म पे हम कानून की विभिन्न बातों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज टॉर्ट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपकृत्य एवं संविदा भंग में अंतर, यानी अपकृत्य और संविदा भंग क्या होता है। तो सबसे पहले एक एक लाइन में अपकृत्य और संविदा भंग को समझ लेते हैं। अपकृत्य यानी एक सिविल रॉन्ग होता है, यानी जानबूझकर नहीं किया गया ऐसा काम। दो पार्टीज होती है इसमें भी, और एक पार्टी ऐसा काम कर देती है जो उससे लापरवाही से हो जाता है या निग्लिजेंस, किसी प्रकार की उपेक्षा पूर्वक आचरण हो जाता है। यानी अपना काम करते समय यदि आप पड़ोसियों का, समाज का ख्याल नहीं रखते हैं और आपके इस लापरवाही पूर्ण कृत्य से यदि किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में अपकृत्य होता है। अगर आप ये जानबूझ के कर लेंगे तो अपकृत्य न होकर ये तो अपराध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह सिविल दोष इसीलिए होता है क्योंकि जानबूझकर नहीं होता है। तो अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग है, यानी कुछ गलती हुई है लेकिन वो जानबूझकर नहीं हुई है और उससे दूसरे के अधिकारों का वायलेशन हुआ है, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और अन्य व्यक्ति को इंजुरी हुई है। इंजुरी मतलब ऐसा डैमेज जो कानून द्वारा मान्य है कि आपकी गलती से हुआ है तो अब आपको मुआवजा देना होगा। तो ये होता है अपकृत्य। एक होता है संविदा भंग। संविदा भंग इज वेरी मच डिफरेंट। संविदा का मतलब यहां पर अग्रीमेंट है, या संविदा का मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई व्यक्ति ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, संविदा भंग को इंग्लिश में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यहां पर भी दो पार्टीज होती है और दो पार्टीज आपस में अग्रीमेंट कर लेती है, कोई करार कर लेती है, जैसे मकान मालिक किराएदार का एग्रीमेंट हो गया, या मान लीजिए कि हम किसी से मकान खरीद रहे हैं तो खरीदार और बेचवाल का आपस में, सेलर और परचेसर का एग्रीमेंट हो गया। और एग्रीमेंट होने के बाद, यानी करार होने के बाद, यदि कोई पार्टी उसको निभाने से इंकार कर दे, यानी मना कर दे या नहीं निभाए, और उसकी वजह से परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप यदि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यहां पर भी दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज ने कोई अग्रीमेंट किया है लेकिन एक पार्टी उस अग्रीमेंट को निभाने से इंकार कर देती है, यानी एक करार करने के बाद करार को निभाने से इंकार कर देती है, उससे जो नुकसान होता है वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो यहां पर हम लोगों ने अपकृत्य और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझा। आप दोनों के एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि हम टॉर्ट का उदाहरण देखें तो केयरलेसनेस, यानी कोई लापरवाही की गई है, कोई निग्लिजेंस किया, उस लापरवाही की वजह से दूसरे व्यक्ति को क्षति हो गई। उदाहरण के तौर पर सपोज आप मान लीजिए विंडो से कचरा फेंक रहे हैं, तो आपकी आपके दायित्व तो क्या बनता है, कचरा नियत जगह पे हो, आपका आपको इस प्रकार से कचरा नहीं फेंकना चाहिए लेकिन आपने फेंका और किसी व्यक्ति को उस कचरे की वजह से उसको कोई डैमेज हो जाता है तो उसको इंजुरी माना जाएगा। तो आपकी लापरवाही के नतीजे से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा तो वो आपसे कॉम्पनसेशन की मांग कर सकता है। या मान लीजिए आपने अपने घर की साफ सफाई की लेकिन कचरा पूरा पड़ोसी के यहाँ चला गया जिससे उसको नुकसान हो गया। तो ये सब चीजें जानबूझकर नहीं होने के बाद भी मुआवजा देना पड़ता है, इसी को ही टॉर्ट कहा जाता है। तो केयरलेसनेस या निग्लिजेंस, उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और गाड़ी हमने कीचड़ में चलाई जिससे दूसरे व्यक्ति के कपड़े खराब हो गए, तो ये भी एक प्रकार का टॉर्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। दो लोगों ने अग्रीमेंट किया, जैसे सर्विस एग्रीमेंट कर लिया, सर्विस एग्रीमेंट यानी एक व्यक्ति ने यह सामने वाले को आश्वासन दिया कि मैं ये आपको सर्विस दूंगा, उसके बदले में इतने रुपए आप मुझे देना। सामने वाले व्यक्ति ने तो रुपए दे दिए लेकिन ये सर्विस नहीं दे पाया, तो नहीं दे पाया तो उसको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगा सकता है। तो इस प्रकार टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके अंतर की ओर चलते हैं। इसमें बेसिक
ये जो पांच अंतर है आपके सामने मैं बता रहा हूं, उन पांच अंतरों में हम इसको समझ पाएंगे। आप लोगों ने देखा टॉर्ट में जो भी ड्यूटीज फिक्स हुई थी, ड्यूटी फिक्स बाय द लॉ, यानी टॉर्ट की जो ड्यूटीज हैं वो एक समाज द्वारा या कानून द्वारा फिक्स की गई ड्यूटीज है। तो यहां पर अपकृत्य में लिखेंगे कर्तव्य विधि द्वारा रिकॉग्नाइज है, मतलब कर्तव्य जो है वो फिक्स बाय द लॉ है, लेकिन यहां पर फिक्स बाय द पार्टीज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपस में जो राइट ड्यूटीज हैं वो किसने तय किए हैं, वो पार्टीज ने तय किए हैं, यहां पर सामाजिक नहीं है, कानूनी नहीं है, सामाजिक। फिर अपन चलते हैं इसमें, आपके जो ड्यूटी है टुवर्ड्स होल सोसाइटी, यानी आपका कर्तव्य जो है पूरे समाज के प्रति है, दोनों प्राइवेट लॉ है लेकिन यहां पर समाज के प्रति पूरा कर्तव्य, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी के प्रति आपके कर्तव्य होंगे। तीसरा डिफरेंस, टॉर्ट का जो कानून है वो अनकोडिफाइड है, अभी भी सेक्शन, इसमें कोई सेक्शन चैप्टर एक्ट नहीं है, यानी अनकोडिफाइड है, असंहिताबद्ध है, लेकिन ये संहिताबद्ध हो चुका है, कोडिफाइड है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है। इसके बाद हम बात करें अनलिक्विडेटेड डैमेज, अधिकतर टॉर्ट के केसेस में ऐसे डैमेज होते हैं जो डैमेज तय नहीं होते, तय नहीं होते मतलब केस टू केस वेरी करता है, यानी डैमेज यानी जो अमाउंट की जो मात्रा है वो कोर्ट अपने विवेकाधिकार से फिक्स करती है, इसको अनलिक्विडेटेड डैमेज कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को परेशानी हुई तो परेशानी की कोई वैल्यू नहीं होती कि मुझे आज 100 रुपए की परेशानी हुई या मुझे आज 1,00,000 रुपए की परेशानी हुई, तो ये अनलिक्विडेटेड डैमेज होते हैं जो कि न्यायालय अपने विवेक से निर्धारित करेंगे। लेकिन अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज होता है, लिक्विडेटेड मतलब स्पेसिफिक अमाउंट होता है, कितना नुकसान पहुंचा उसकी गणना आसानी से की जा सकती है। इसके बाद टॉर्ट में मोटिव और इंटेंशन को भी कई केसेस में देखा जाता है, यानी व्यक्ति का क्या मोटिव था, हेतु क्या था, आशय क्या था, ये भी कई जगहों पर देखा जाता है टॉर्ट के केसेस में, लेकिन मोटिव और इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में इररिलेवेंट होता है, पूरी तरीके से इररिलेवेंट होता है। आपने अब करार नहीं निभाया, यही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आशय क्या था, हेतु क्या था, इस तरफ न्यायालय ध्यान नहीं देती है। तो ये है मित्रों डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू।